दूध पाक पड़ी सल्लल्लाहु अलैहि रसूल वसल्लम अलैका हबीब अल्लाह। रोक लेती है आपकी निस्बत, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। और ये करम है हुजूर का हम पर, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं। वो ही भरते गए झोलियां सबकी, वो समझते गए बोलियां सबकी। हुजूर की बारगाह में कैसे कैसे लोग आते, अरबी बोलने वाला, हिंदी बोलने वाला, उर्दू बोलने वाला, सिंधी बोलने वाला, पंजाबी बोलने वाला, सराकी बोलने वाला, इंग्लिश बोलने वाला, फारसी बोलने वाला, हर जबान वाला हुजूर की बारगाह में आता है। हुजूर सबकी सुनते हैं, हुजूर सबकी सुनते हैं, और हुजूर हुजूर तो जानवरों की भी सुनते हैं। मुझे कहने दो, हुजूर उनकी भी सुनते हैं जिन्हें बोलना नहीं आता। वो ही भरते गए झोलियां सबकी, क्योंकि वो समझते हैं बोलियां सबकी। आओ दरबार मुस्तफा को चले, आओ दरबार मुस्तफा को चले, क्योंकि गम खुशी में वही पिघलते हैं। आओ बाजार मुस्तफा को चले, के खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। आओ बाजार मुस्तफा को चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। और अब हमें क्या कोई गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। एक दूसरे से मोहब्बत करते रहो, संभालते रहो, सहारा बनो। अब हमें क्या कोई गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। यह है चीज, ये खड़ी हुई है, कोई देख रहा है, ये खड़ी हुई है ना। अब मैं इसको कहूं गिरा दूं, अब मैं कहूं इसको गिराओ, कोई आए कि गिराएगा इसको? ये गिरी हुई है, मैं कहूं इसको गिराओ, कोई गिरा सकेगा? नहीं ना। सुनो, अब हमें क्या कोई गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा, क्योंकि हमने खुद को गिरा दिया है वहां, हमने खुद को गिरा दिया है वहां। गिरने वाले जहां संभलते हैं, हम
हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, हाँ गिरने वाले जहाँ संभलते हैं और अपनी औकात सिर्फ इतनी है, सिर्फ इतनी है। याद आया, याद आया इतनी भी तो नहीं, कह तो दिया इतनी है फिर याद आया इतनी भी नहीं, तो कहने लगे अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है कि कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। उनके टुकड़ों पे पलने वालों एक बार तो कह दो झूम झूम के, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। सूरज को कभी गुरूब होते हुए देखा? देखा, जब सूरज गुरूब होने वाला होता है, जैसे जैसे गुरूब होता जाता है साये बढ़ते जाते हैं, साये गहरे होते जाते हैं, साया इतना बड़ा हो जाता है कि अपना कद कद आदम लगता है। देखा ना, जैसे जैसे सूरज डूब रहा है वैसे वैसे साया बढ़ रहा है, और देखते ही देखते जब सूरज गुरूब हो जाता है तो फिर अंधेरा छा जाता है। ये तो ये सूरज है, एक जिक्र सरकार के उजाले भी तो है ना है? और जिक्र सरकार के उजाले कैसे? जिक्र सरकार के उजालों की बेनिहायत है रिफ़अतें खालिद, जिक्र सरकार के उजालों की बेनिहायत है रिफ़अतें खालिद, ये उजाले कभी न सिमटेंगे। अरे ये वो सूरज नहीं जो ढलते हैं, ये उजाले कभी न सिमटेंगे, ये वो सूरज नहीं जो ढलते हैं, हाँ ये वो सूरज नहीं।